हर खबर सच्चाई के साथ। पूर्व मंत्री भगवत सरन गंगवार ने सरकार पर जमकर साधा निशाना। बरेली के नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र के शाहपुर गांव में समाजवादी पार्टी द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें शिरकत करने पहुंचे सपा पूर्व मंत्री भगवत सरन गंगवार का कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान भगवत सरन गंगवार ने सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ धर्म और जाति के नाम पर लोगों को आपस में लड़ाने का काम करती है। किसानों को लेकर उन्होंने कहा कि किसानों पर सरकार जो अत्याचार कर रही है, आने वाले 2022 के चुनाव में किसान इसका जवाब जरूर देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के 4.5 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन सरकार ने विकास के नाम पर कुछ नहीं किया है। किया है तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि जो विकास अखिलेश यादव ने कराया है, वही विकास दिख रहा है। शिक्षा को लेकर उन्होंने कहा कि यह सरकार नहीं चाहती कि लोग पढ़ लिख कर कामयाब हों। उन्होंने कहा कि यह सरकार जुमलेबाजी में नंबर वन सरकार है। इस दौरान भगवत सरन गंगवार ने सभी बूथ कमेटी के सदस्यों को फूल मालाएं पहनाकर सम्मानित करते हुए कहा कि सभी कार्यकर्ता अपने अपने बूथ को मजबूत करने का काम करें। कार्यक्रम में सेतल नगर पंचायत चेयरमैन कंबर एजाज सानू, पूर्व ब्लॉक प्रमुख पुरुषोत्तम गंगवार, तेज प्रकाश गंगवार, विधानसभा अध्यक्ष अनिल गंगवार, नगर अध्यक्ष एनी अंसारी, सत्येंद्र माथुर, जिला पंचायत सदस्य नीलम गंगवार, हाजी मुख्तियार अंसारी समेत भारी संख्या में सपा नेता, कार्यकर्ता व समर्थक उपस्थित रहे। देखिए A1 न्यूज इंडिया के लिए नवाबगंज से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। हमको यहाँ पर एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की भी यहाँ करवा ली थी अखिलेश यादव से। हमने तो कहा उनसे हमारे यहाँ एक डिग्री का नहीं करवा दो एग्रीकल्चर का। बोले क्या मंत्री जी, आप भी कहोगे आप कुछ नहीं डिग्री कॉलेज का यूनिवर्सिटी बनवाओ अपने यहाँ, और उन्होंने हाँ कर दी। बोले अगली बार में, क्योंकि लास्ट टाइम में नंबर लगा, तो बोले अगली बार में सरकार घर की बन जाए, काम हम लोगों ने बहुत किए, बड़ी ईमानदारी से सरकार चलाई है। तो हम लोगों की और हम एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी, मैं अगली सरकार बनते ही महीने भर के अंदर नवाबगंज में यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर की बनवा दे। हमने बरेली के लिए लड़ाई लड़ी, हमने की एक मेडिकल कॉलेज बने, तो मेडिकल कॉलेज तब तक सैंक्शन हो गया था बधाइयों, तो बोले कोई बात नहीं है मेडिकल बधाइयों में बन जाने दो, लेकिन हम आपके यहाँ मेडिकल कॉलेज जो 300 बेड का अस्पताल बना है बरेली के अंदर, जिसमें करुणा अस्पताल के नाम से प्रसिद्ध है, वो आपके इस भगवत ने, भगवत के कहने पे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बनवाया। बोले केवल पढ़ने के लिए क्लास और रहने के लिए फैकल्टी के आवास, दो चीजें और बनवा देंगे, मेडिकल कॉलेज शुरू करवा देंगे बरेली के अंदर। तो हमको हमेशा यही सोचते रहे कि हमारे नवाबगंज के लोगों को, बरेली के लोगों को कैसे कहना चाहिए सहूलियत मिले। 4 ओवरब्रिज बने हैं बरेली के अंदर अपनी सरकार में, 4 ओवरब्रिज भगवत के लेटर हेड पर सेंचर हुए। ये जरूर है कि हम कभी प्रचार नहीं करते, प्रसार नहीं करते दूसरे लोग कर रहे, जैसे ये लोग हम लोगों की कैसेट बना रहे हैं, ऐसे ही हमने एक और बड़े नेता की जो आजकल बड़ी बड़ी मीटिंग कर रहे हैं उनकी कैसेट सुनी, तो वो कह रहे थे कि अब तक 20 साल से नवाबगंज पे जो लोगों को कब्जा रहा, वो माफिया थे, बेईमान थे, चोर थे, वो उचक्के थे, लुटेरे थे। क्या मैं चोर उचक्का लुटेरा दिखाई पड़ रहा हूँ? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या मैंने मेरी कोई बात कहे, मेरी नियत में खोट कोई बता दे, मेरे चरित्र में कोई दाग बता दे, तो मैं चुनौती पूर्वक कहता हूँ, तो क्या हम उठाई गिरे और चोर डकैत और इस तरीके के लोग थे? हमने ये भी सुना कि एक नेता कह रहे थे कि आपका ये मसीहा, वो मसीहा बन गए, वो देवता बन गए, देवता भी है कैसेट में, आप कैसेट इनसे ले लेना, क्या आना चाहिए हमारे राजू भैया बैठे हैं इनके पास में, होगी जरूर। तो लोगों को अकल तक है नहीं कि कैसे बोला जाए। हम भी बहुत कुछ कह सकते हैं, हम कहते हैं कि आप लोग जिन्हें नेता मानते हैं अपना असली रूप से, जिनके लिए मर मिटने की सोचते हैं, आप पोलिंग पर खड़े होते एक एक वोट डालने के लिए उनके लिए कर,
में किसी कुर्मियों के गांव में एक इंटर कॉलेज पूरी लोकसभा क्षेत्र में बनवा दिया हो, एक डिग्री कॉलेज की बराबरी के लोग हैं बनवा दे, कहीं एक डिग्री कॉलेज बनवा दिया हो, कहने के लिए आप भी मदद करते हो, खूब मदद करते हो। और लेकिन कहीं कोई कोई ये प्रश्न नहीं करता कि क्यों इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेजों में यहाँ के मास्टर नहीं आए, क्यों ये काम रह गया। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, बताओ आपके क्षेत्र में कौन सा काम होना शेष रह गया। मैं तो कहता हूँ खड़े होकर नहीं, इस समय नहीं, बाद में बता देना। काम करवाना भगवत की आदत में कहना चाहिए, कोई नहीं करवाता काम। काम वो करवाता है जिसके मन में अपने लोगों के लिए दर्द होता है, वहां के रहने वाले लोगों की समस्याओं के पेट उसकी सोच होती है, वो काम करवाता है। कल शाम थी ना परसों शाम नवाबगंज में मीटिंग थी, यही पत्रकार महोदय जो खेच रहे हैं, इनने कहा था कि भगवत जी एक बात बताओ, आपने नवाबगंज कस्बे में सब मुस्लिम ही थे ज्यादातर, हमारे साथ में कुछ साथी केवल गए थे हिंदू, तो बोले बताओ आपने मुसलमानों के लिए क्या किया। हमने की भाई हम हिंदू मुस्लिम की राजनीति तो करते नहीं, लेकिन हम कहना चाहते हैं नवाबगंज के जितने रोड बने हैं उसमें हिंदू और मुस्लिम सब चलते हैं, और भगवत से ज्यादा रोड किसी ने नहीं बनवाया नवाबगंज कस्बे में। नवाबगंज जिस स्कूल में मीटिंग कर रहे थे, हमने की 5 कमरे इसमें हमने इसलिए बनवाए कि नवाबगंज के बेटे बेटे पढ़ाए, हमने फखरुद्दीन अली अहमद सामने इंटर कॉलेज है उसमें कमरे बनवाए थे, और श्री कृष्णा में 31 हाल विधायक निधि से आपके इस बेटे ने बनवाए, इसलिए कि श्री कृष्णा में पढ़ाई लिखाई का हाल भाग भूजा था और वो ही डॉक्टर और इंजीनियर बनाने का काम करता था श्री कृष्णा इंटर का। 31 साल हमने कहा कोई सा गांव ऐसा बता दो जिसमें सड़क ना हो, बिजली ना हो, पीने की व्यवस्था, पानी ना हो, स्कूल ना हो, कोई 2 किलोमीटर ऐसा बताओ जहाँ जूनियर हाई स्कूल ना हो, यानी हमारे छोटे बच्चों को 8वीं तक के बच्चों को 2 किलोमीटर से ज्यादा चलना पड़ता हो। अब तो इंटर कॉलेज हायर सेकेंडरी स्कूल भी बहुत बनवाए, और कोई इंटर कॉलेज नहीं, यहाँ भी 2 इंटर कॉलेज के लोग बैठे होंगे निश्चित रूप से, उनसे पूछो कि भगवत विधायक जी से पूछना कुछ उन इंटर कॉलेजों को हायर सेकेंडरी स्कूल को दिया कुछ जरूर हो। कभी कमीशन नहीं दिया, बैठे इधर आए धूप की वजह से उठ के चले गए, अभी एक प्रिंसिपल साहब का सब कर दिया, कभी एक पैसा कमीशन नहीं दिया। और हम कह रहे हैं कि 5 साल का विधायक निधि का सांसद निधि का तो 1 करोड़ आता है नवाबगंज में, नवाबगंज के लिए 1 करोड़ रुपया आता है सांसद निधि का, और जिन्हें आप लोग खूब बनाते भी हो एमपी बनाओ क्योंकि बिरादरी के हैं, लेकिन कहां कहां काम हुआ है। पूरी न्याय पंचायत में कोई आदमी खड़े होके छोटा मोटा कहीं नाली बनवा दिया हो, 100 मीटर सीसी डलवा दिया हो, अलग बात है। हमने गांव के गांव साथ लोहिया ग्राम में समग्र विकास ग्राम में गन्ने से जाने कहे कहे से बड़ी बड़ी सड़कें बनवाई, गांव के गांव जो ये सरकार बनवाती है आज 5 साल बाद भी 1,20,000-30,000 का मकान हमने लोहिया आवास बनवाए 3.5 लाख रुपए के, और अखिलेश जी तो कह रहे थे अपनी सरकार बनी तो लोहिया आवास 6-7 लाख रुपए का ना चाहिए आवास के लिए गरीबों को ले देंगे। उनका काम सब गरीबों के लिए था, मैं बहुत सी बातें दोहराना नहीं चाहता माननीय अखिलेश जी, उनका काम सब गरीबों के लिए था, चाहे साइकिलों का वितरण हो गरीब मजदूरों के लिए, चाहे बेटियों के लिए साइकिलों का वितरण हो, चाहे कन्यादान हो, लैपटॉप हो, बेरोजगार भत्ता हो, मुझे मालूम है मुलायम सिंह यादव के समय में शुरुआत में उन्हें 1 लाख रुपए की ये बीमा राशि, अगर कोई किसान खत्म हो जाता है तो 1 लाख रुपए उसको, और तुरंत थोड़े दिन बाद बोले नहीं 1 लाख से क्या होगा आज के जमाने में, 2003 की बात है, हमने 5 लाख रुपए कर दिया। आज की सरकार में पेंशन वो बीमा की राशि नहीं मिलती है कोई किसान खत्म हो जाए। A1 News India, हर खबर सच्चाई के साथ।